हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीताज डाय डेकोर। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हमें अपने घरों में लैंप्स लगाना बहुत अच्छा लगता है और हम वो लैंप इजीली मार्केट से ले भी आते हैं, पर अगर उन लैंप को हम अपने हाथों से बनाएं और फिर अपने घर में डेकोरेट करें तो उसकी बात ही कुछ और है। तो आज हम अपने इस वीडियो में वेस्ट मटेरियल से इस सुंदर सी लैंप को बनाना सीखेंगे। इस लैंप को बनाने के लिए मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। इससे पहले के वीडियो में मैंने कलर पेपर से एक रंगोली बनाई थी फ्लावर की, तो उस रंगोली को बनाते समय मेरे पास कुछ पेपर्स बच गए थे, तो उन्हीं पेपर्स को यूज़ करके मैंने ये रंगोली बनाई है। तो इस लैंप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पुरानी ग्लास बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में इस तरह की ग्लास बॉटल नहीं है तो आप नॉर्मली इस तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉटल को बनाने के लिए मैंने इन पुराने क्रेप पेपर्स का यूज़ किया है। ये इससे पहले के वीडियो में आपने जैसा कि देखा, मैंने रंगोली बनाई थी पेपर से, वही पेपर बच गए थे तो मैंने उन्हीं पेपर का यूज़ करके ये बॉटल बनाई है। पेपर को मैंने कुछ इस तरह से हार्ट शेप में कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फेविकोल MR का यूज़ कर रही हूँ। मैंने फेविकोल MR का और पानी का पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसे बोतल पे इस तरह से स्प्रेड कर दे रही हूँ। फिर एक एक करके हमने जो डिफरेंट कलर्स के हार्ट काटे हैं उनको कुछ इस तरह से लगा देना है। हमें अलग अलग कलर के हार्ट्स को इस पे अटैच करना है। इसी तरह से हमें चारों तरफ से बोतल पे फेविकोल और पानी का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको लगाते हुए अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हार्ट्स को लगा देना है। और इस तरह से हार्ट्स को लगाने के बाद आप इन हार्ट्स के ऊपर भी ये जो मैंने पेस्ट बनाया है उसको अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए। ये देखिए, ये हमारी बोतल धीरे धीरे बन रही है। हमें इस बोतल को पूरी तरफ से हार्ट से कवर कर देना है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हार्ट का यूज़ करके। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे पहले जो मैंने रंगोली बनाई थी पेपर से, उससे बचे हुए पेपर्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मार्केट से इन पेपर्स को ला रहे हैं तो ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं, इसलिए आप और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये बॉटल बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसे अपने बेडरूम, लिविंग रूम, बालकनी, गार्डन कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी तो दिवाली भी आ रही है और दिवाली में तो लाइटिंग होती ही रहती है, और इस तरह की लैंप बना के अगर आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे तो इस बार थोड़ा सा नया लुक आएगा। और जैसा कि ये बोतल बनाना बहुत ही इजी है तो इसे कोई भी बहुत ही इजीली बना सकता है, और इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। और इसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है, तो इसे आप आराम से बना सकते हैं और इस बार दिवाली के डेकोरेशन में आपका बजट भी नहीं गड़बड़ाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस बॉटल में अच्छी तरह से चारों तरफ ये कलरफुल हार्ट्स लगा दिए हैं। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सूख के ये बोतल हमारी कुछ इस तरह से लग रही है और ये कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है। आप इसे लैम्प की तरह तो यूज़ ही कर सकते हैं, साथ ही आप इसे फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि इस लैम्प के अंदर हमें अच्छी तरह से ये राइस लाइट डाल देनी है। ये राइस लाइट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस राइस लाइट की खासियत ये है कि ये बैटरी से इजीली चल जाती है, तो आप इस लैम्प को जहाँ मन चाहे वहाँ रख सकते हैं। आपको किसी भी तरह के वायर या स्विचेस की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी ये बॉटल कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है और ये कितना सुंदर लैम्प लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लैम्प अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ईजी है। और अगर रियली आपको मेरी ये लैम्प अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि इसी तरह के सुंदर सुंदर वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।